मोबाइल दुकान में चोरी की घटना का गढ़ाकोट पुलिस ने किया खुलासा। अपने गांव को लोगों को कम कीमत पर आरोपी बेच रहा था। चोरी के समय बिल बुक भी ले गया था साथ में। नगर परिषद के कॉम्प्लेक्स में थी दुकान। नगर परिषद के सीसीटीवी कैमरों में चोरी की घटना कैद हुई। गढ़ाकोटा में बुधवार की शाम थाना गढ़ाकोटा पुलिस ने विगत दिनों हुई मोबाइल दुकान की चोरी का खुलासा करते हुए आरोपी चोर के साथ मोबाइल दुकान से चोरी हुए 16 टच मोबाइल, दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरा का डीवीआर, बिल बुक जब्त कर खुलासा करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें रहली एसडीओपी पुलिस अनुराग पांडे, थाना प्रभारी प्रशिक्षु डीएसपी सुश्री भावना दांगी के साथ अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे। रहली एसडीओपी अनुराग पांडे ने जानकारी देते हुए बताया, दुकान के ताले तोड़ने में उपयोग औजार को जब्त किया है, साथ ही दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरा के डीवीआर जो कि वह चोरी की घटना में अपने साथ ले गया था, जिसे उसने सुनार नदी में छोटे पुल के पास फेंकना बताया, जिसकी तलाश के बाद उसे भी जब्त किया जाएगा। आरोपी बल्लू उर्फ बलवंत को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। एक मोबाइल शॉप चौरसिया की थी, बस स्टैंड की चोरी हुई थी रात्रि दरमियान। थाना प्रभारी गढ़ा कोटा द्वारा एक टीम बना के उसने पतरसी की गई, तो चौरसिया की मोबाइल दुकान से चोरी गए 1500 मोबाइल जब्त हो गए हैं और उससे पूछताछ की जा रही है अन्य चोरियों के बारे में। और शीघ्र जो है मोबाइल के आई डी यही नंबर मिलान करके उनको अपनी प्रस्तुत की जाएगी। सर, ये खुलासा में आम कड़ी क्या रही, कैसे पता चला? इसमें आरोपी बल्लू बलवंत वो भी जो ग्राम चौराई का रहने वाला है, उसके ऊपर कर्जा होने के कारण पैसों की आवश्यकता होने के कारण उसने चोरी करना होता है। कर्जे की रकम अदा नहीं हो पाने के कारण उसने चोरी की। और ऐसी परिस्थितियाँ थी कि जब उसने मोबाइल गाँव के अन्य लोगों को बेचे तो थाना प्रभारी के रास्ते पर वो मुक्ति मिली, इसके फसल के मोबाइल जब्त किए गए।